अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ एनी एंड माय चैनल नेम इज़ ग्लैमरस ब्यूटी टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। टुडे इज़ माय वीडियो, यहाँ पर मैं आपके साथ हेयर स्ट्रेटनिंग का रिव्यू शेयर कर रही हूँ। और इसका ऑल ओवर रिव्यू मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको देना था डेमो साइड जो है ब्रेड का। यहाँ पर मैं सेक्शनिंग की है, जस्ट सिंपल सी जो हम चुटिया करते हैं इस तरीके से हमने मिड से सेक्शनिंग ले लेनी है, और वन लेयर इस तरफ से राइट तरफ से और वन लेयर लेफ्ट तरफ से उठाते जाना है। जिस तरीके से हम चुटिया के बल बीच में रखते हैं उसी तरीके से हमने उन लेयर्स के साथ ये उठाए हुए बालों को ऐड करते रहना है। इस तरीके से ये लेयर्स बनती रहेंगी। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी कि मैं आपको किस तरीके से बता रही हूँ, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। और ये बहुत इजी मेथड्स है, ये आजकल बहुत इन है हेयर स्टाइलिंग में, साइड ब्रेड जो है चल रही है। मेरी बहुत ही प्यारी व्यूवर है जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि हेयर टिक के स्ट्रेटनर पर रिव्यू दिया जाए ऑल ओवर, उसकी अनबॉक्सिंग में मुझे मैसेज आया था, लेकिन मैंने उसका रिव्यू ऑलरेडी दे चुकी हूँ आपको। ऑल ओवर डिटेल्स मैंने शेयर की थी उसकी, जिन जिन चीज़ों की मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ उनका रिव्यू भी मैं साथ साथ ही शेयर कर रही हूँ। आप ऑल पेज चेक किया करें, देखा करें कि मैंने ऑल डिटेल्स जो हैं आपके साथ शेयर की होती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी ज़रूर रीड किया करें, जो चीज़ मुझसे मिस हो जाती है मैं उसके अंदर मैंशन कर देती हूँ हर वीडियो में। मैं आपको जो है कहीं ना कहीं ये बातें बताती रहती हूँ ताकि आप जाके वो सब चीज़ें नोट डाउन करें। हेयर्स के अंदर जो ग्रे कवरेज है आपने उसको इग्नोर करना है, बिकॉज़ ये नॉर्मल सी बात है, हर एक के हेयर्स में ये आ जाती हैं, तो मेरी मॉडल के हेयर्स में भी आई हुई हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इनके स्ट्रिक्स करेंगे, उसका रिव्यू भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर जो है मैं फ्रंट पे साइड में मैं एक इनके थोड़ी सी हाइट चाह रही थी देना, तो मैंने बैकोमिन की है, जस्ट वो नॉर्मली सी मैंने बैकोमिन की है, बहुत नॉर्मली हैंड के साथ, बहुत हार्ड हैंड ही रखना तो बाल जो है टूट जाते हैं। और ये जो है मैंने आपको स्प्रे भी दिखा दिया है जो मैंने इसमें बालों में लगाया हुआ है। हेयर जो है वो थोड़े से वेवी थे इसलिए हेयर टिक का स्ट्रेटनर मैंने इनमें यूज़ किया है, और ताकि लेयर्स जो हैं वो ऑल ओवर इम्प्रूव हों। यहाँ पर मैं ब्रीक ब्रीक सेक्शनिंग करके वहाँ बैकोमिन कर रही हूँ, और साथ ही मैं इनको स्प्रे लगा रही हूँ ताकि ये यहाँ पर ही एडजस्ट हो जाएं, लाइट सी फ्रंट पे हाइट आएगी। इस तरीके से बहुत दूर रख के आपने बालों में स्प्रे लगाना है, करीब करके नहीं लगाना, बिकॉज़ बाल वहीं पे स्टक हो जाएंगे। इस तरीके से कॉमिंग करके मैं इनको ऊपर से नीट कर रही हूँ ताकि यहाँ पर जो है नीटनेस आ जाए ऊपर फ्रंट के जो हेयर्स हैं वहाँ पर। साइड पर मैंने इनको जस्ट पिन लगा दी है, सिंपल बॉब पिन, और बहुत ही अच्छी ये पार्टी वेयर गोइंग हेयर स्टाइलिंग जो है बन जाती है, बहुत फेस इस पर प्यारा लगता है, बहुत सूट करती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेक श्योर डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।